अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किसी दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, ए मैट्रिक्स और ये बी मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम ए बी को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दोनों मैट्रिक्स लिख लेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे कि इन इसको जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो आपने सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि जो ये रो है, ये इस मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स ए का जो रो है ना, वो आपने पहले मैट्रिक्स बी के इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, फिर इसी रो को आपने इस मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, फिर इसी तरह इस सेकेंड रो को सबसे पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी का रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, फिर बीच में प्लस का साइन आएगा, बीच में प्लस का साइन आएगा। ठीक है, 0 मल्टीप्लाई बाई -8, ये देखिए 0 मल्टीप्लाई बाई -8। ठीक है, फिर यहाँ पर भी प्लस का साइन आ जाएगा, फिर -1 मल्टीप्लाई बाई 0। ठीक है, इसी तरह अब इसी रो को हम मल्टीप्लाई करते हैं इस कॉलम के साथ। ठीक है, तो ये देखिए 1 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है, +0 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, ये देखें, और -1 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, अब इसी तरह इस सेकेंड रो को पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस कॉलम के साथ। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है, +0 मल्टीप्लाई बाई -8, ठीक है, और 6 मल्टीप्लाई बाई 0। ठीक है, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है, ये 7। ठीक है, फिर +0 मल्टीप्लाई बाई 4, ये आ गया। ठीक है, फिर 6 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, फिर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करके इनको फिर प्लस माइनस कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करो तो 1 1 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो 1 आ जाता है। ठीक है, और ये यहाँ पे 0 जो है 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 आ जाएगा, लेकिन ये प्लस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये माइनस आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का साइन और ये 0 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर भी माइनस का साइन आ जाएगा और ये 0 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो -0। ठीक है, फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 7 +0 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 0, और -1 मल्टीप्लाई बाई -1, यहाँ पे ये माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है, और 1 आ जाएगा। फिर इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, प्लस यहाँ पे प्लस है लेकिन ये इसके साथ माइनस हो जाएगा, और 8 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी 0 आ जाएगा, +6 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर इसी तरह जो है ये 2 7s are 14। ठीक है, और ये 4 0 और 4 मल्टीप्लाई हो जाए तो 0, और 6 1s are 6। ठीक है, फिर इसको हम इसे माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर ये 7 से -1 कर दे तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा, और 14 और 6 को हम प्लस कर दे तो ये 20 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हो गई है। उम्मीद है आपको ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस समझ आ गया हो। इसी तरह के मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।